तो हम यहाँ पे देखो खा रहे हैं और उधर से ये बंदर ताक में है, लेकिन मैं आ रहा तम भी ढूंगू चाह। समय न दगड़ियो, हर हर महादेव, जय उत्तराखंड, जय भारत। अर्मी छू शालिनी रावत। तो आज हम जाना चाहवा कखी घूमणाखंड, मतलब आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। और बारिश वारिश का मौसम भी है बरसात का, तो देखते हैं कहाँ पे रोकते हैं लोग, क्योंकि मालदेवता की साइड जाने का हमारा प्लान है, बट वहाँ पर पुल भी गिरा हुआ है ऐसा सुनने को आया है। वहाँ पे पुलिस वाले रोक रहे हैं कि नहीं, तो देखेंगे। और मेरे साथ जा रहे हैं अजय। हेलो दोस्तों, बहुत ही मजा आ रहा है लोगों के साथ, आते ही इन्होंने कॉमेडी स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। और ये नीलम। नमस्ते दगड़े, सब लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और हम लोग, और ये है मम्मी। नमस्ते। हम घूमना जरा एंजॉय कर लो, घूम घाम के आए थे, घर में बैठे क्या करना है। तो बेसिकली हम जा रहे हैं स्कूटी में, हमारे पास दो स्कूटी है, एक है अजय की। और ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पीछे ट्रैवलर खड़ी है। हाँ। हम लोग पैलेस में जाने की सोच रहे थे, फिर भैया ने हमको जाने नहीं दिया। हाँ। तो स्कूटी में जा रहे हैं क्योंकि तीन चार लोग ही थे इसलिए। और ये है मेरी स्कूटी, ये लेके जाएंगे एक, और एक इन लोगों की है वो ये वाली। तो हम निकलते हैं, बनी रहिएगा हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। और मेरे साथ मम्मी भी है। और ये मम्मी को स्कूटी चलाने का बहुत शौक है, मम्मी को स्कूटी चलानी थी तो स्कूटी चला रही है और मैं पीछे बैठ के मज़े ले रही हूँ। पुलिस वालों ने हमें रोक दिया था क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आई थी जिसमें बहुत सारे लोग और गांव बह गया था। पर खाने का कोई साधन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे अभी कुछ खाने के लिए ले रहे हैं, समोसे वगैरह। और आप ये देख सकते हैं, ये प्राचीन शिव मंदिर है, बहुत खूबसूरत है। और ये सामने बरगद का पेड़ है और इसका जो परिसर है वो बिल्कुल जैसे पौराणिक मंदिर होते हैं वैसा ही फील है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं खूबसूरत सा मंदिर और ये पूरा पेड़ बरगद का पेड़ है ना, तो ये बहुत पौराणिक मंदिर है, शिव मंदिर है बेसिकली। तो जब हम बहुत पहले से यहाँ से गुजर रहे थे तब से ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं। और इसकी जो खूबसूरती है, सुंदरता है, वो इसी बरगद के पेड़ से है। और इसका जो परिसर है वो बहुत अच्छा लगता है। और आप इधर देख सकते हैं बिल्कुल पुराना जैसा, और ऊपर जाके ये देखिए सब, ये भी पीपल का पेड़ है काफ़ी बड़ा। और यही इसकी विशेषता है यहाँ पे कि दो, एक बरगद का पेड़ और एक पीपल का पेड़, तो ये इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। ये बेसिकली हम मेन मालदेवता में पहुँच चुके हैं और आप ये देख सकते हैं ये टिहरी चंबा का रास्ता है और कद्दूखाल यहीं से जाता है रास्ता, और बहुत सुंदर रास्ता है। और आप अगर उधर को घुड़ाएंगे कैमरा तो यहाँ पे देखिए पूरा मलबा नीचे आया है। सतर्क रहें, सावधान रहें बरसात के मौसम में, हम तो जा रहे हैं पर हमें पता है यहाँ का, तो इसलिए। थोड़ी टूटा था वो वाला पुल था, दूसरा वाला वो भाई, पर नदी का रौद्र रूप है, रौद्र भी क्या है, पर ठीक ठाक है, जितने हिसाब से यहाँ आती है उस हिसाब से तो आज ज़्यादा ही है।
थोड़ा। तो दोस्तों वहाँ पे देख सकते हैं नीचे सोंग नदी, और ये वही सोंग नदी है जिसकी वजह से आगे थानो रायपुर का पुल जो है वो पूरी तरह से टूट चुका था और वहाँ पर एक लड़का रह गया था। तो ये आप देख सकते हैं पानी का फ्लो, और ये इसी को सोंग नदी कहा जाता है। और बहाव देखिए इस नदी का कितना ज़्यादा तेज़ है, और ये पूरा ड्रेनेज पैटर्न देखिए इसका, सारा पेड़ पौधे सब बहा के आ रखा है ये नीचे। इधर देखिए सब पूरा मलबा, और यहाँ पर ये देखिए काम भी चल रहा है, और इसका बहाव देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पे पुस्ते वगैरह डल रहे हैं क्योंकि ये पूरा नदी जो है ये पूरा कटान कट के नीचे निकल। हाँ मम्मी एक परवान बढ़ नहीं, बोले स्कूटी मिल ली जान, मिल ली जान सुधी। गाइस जो जो लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में आना है उनको पहाड़ों में शांति मिलती है, तो देख रहे होंगे आप ये है पहाड़ों की हालत आजकल और की। तो जो ये द्वारा का क्षेत्र है यानी कि रायपुर का क्षेत्र, यहाँ पे कितने सारे गांव ऐसे हैं मालदेवता की तरफ जिसमें कि आप अगर देख रहे होंगे जूम व्यू में यहाँ पे खेती की गई है। तो ये जो पिंडालू होते हैं यानी कि अरबी की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ से नीचे बहुत ढलान है, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, और ये बच्चे बता रहे हैं आगे रास्ते खराब हो सकता है। बल ये देखो ये है राजकीय विद्यालय, और कहाँ खेलने जा रहे हो, उधर नहीं जा रहे हो यार, गाड़ी ले। सभ्य था अन गडल की है, सभी गडल बोल दो, बोली जरा बोल जरा बोल यार कुछ वाला, तो तुम्हारे तो वीडियो मार पूरे हम तुम भेज लेता वाला है? चला अच्छा बाय है, बाय करो सब, बाय करो, हाँ बाय बाय बाय। हाँ हाँ बोल बोल बेटा, चलो जाओ जाओ। ओ शू टायर फूट गया भाई, मित्रा मुड़ो मैं कदा बेकूफ तुम दिल जाना थोड़ा दोस्तों। वो वाला रास्ता तो छट गया है ढलान वाला, और ये है थोड़ा सा सकरा रास्ता है गांव का, पर बहुत सुंदर रास्ता है। यहाँ से लोग लकड़ी घास ये सब लेने के लिए जाते हैं, और देख सकते हैं आप यहाँ देखो बहुत खेती होती है, और यक बांदर उत्पाद मचान आ जाती हर जगह। तो हमने यहाँ पर स्कूटी खड़ी कर दी है, और आप ये देख सकते हैं ये
चीड़ पाइन के ट्रीज और इसके बीच में जाएंगे हम, और मज़ा आएगा, थोड़ा पिकनिक भी मनाएंगे और थोड़ी सी शूटिंग भी करेंगे। और इधर से ये रास्ता है ऊपर टॉप का, यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है, ये जो आपको टॉप दिख रहा होगा यहाँ पे पोल है वहाँ से। और हम स्कूटी यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं, इधर पे खड़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि मेरे पर्स में 2000 रुपये थे और पर्स डिक्की में था, तो किसी ने आधा पर्स निकाला हुआ था, आधा खींच के बाहर निकला था और आधा डिक्की के अंदर था, और 2000 रुपये गायब हो चुके थे। तो ये देखिए, ये है पूरा रास्ता जंगल का, और यहाँ आप ये देख सकते हैं कितना सारा ये मक्कियाँ फेंकी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे मक्की और जो पिंडाले होते हैं यानी कि अरबी, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेती की जाती है। और ये है द्वारा का जंगल। तो हम पहुंच चुके हैं द्वारा, और आप ये देख सकते हैं पूरा द्वारा का जंगल। ये देखिए, यहाँ पे पिकनिक चल रही है, कोल्ड ड्रिंक ये सब, और समोसा और मोमोज, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है, और मम्मी के लिए अनार का जूस ज्यादा टिके तण बननी मम्मी है। तो ये देखिए, यहाँ पे शूट के लिए बेसिकली मम्मी आई है। और दोस्तों देखो, हमने कितने सारे प्लेट्स और ग्लासेस फैलाए थे, तो हमने एक साथ समेट के रख दिए हैं। तो आप कहीं भी जाएं ऐसे पिकनिक वगैरह ऐसे स्पॉट पे, तो अपना सारा कचरा अपने साथ वापस लेके जाएं और उसको एक पर्टिकुलर जगह पे डंप कर दें। और यहाँ पे बेसिकली हम आए हैं शूटिंग के लिए, मतलब मम्मी की शूटिंग के लिए। तो मम्मी का बहुत मन था कि मैं पूरा एक मांगल का सीरीज गाऊंगी, क्योंकि उनका प्रोफेशन भी यही है। तो देखते हैं क्या होता है। और क्योंकि ये लोकेशन बहुत अच्छी थी, पूरा फील है यहाँ पे पहाड़ों का, जंगलों का, डांड जो होते हैं हमारे उनका। और आजकल बरसात का मौसम है, तो आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से हरियाली, ग्रीनरी है। और यहाँ पे जो बंदर है वो ताक में लगा हुआ है तब से, और वहीं बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि मैं नीचे कब आऊंगा। और ये देखिए, ये पूरा द्वारा ये है, और नीचे ये पूरा देहरादून है। साथ में आप देख सकते हैं ये सोंग नदी है, और इस नदी ने आजकल बहुत कहर ढाया हुआ है, इसने गांव के गांव नीचे अपने साथ बहा के ले गया है। जैसे कि जो PPCL का झरना है, वहाँ पे PPCL था, तो वहाँ के कुछ लोग हैं, और ऐसा भी एक अंकल ने बताया है कि कुछ 30-35 लोगों की लाश मिली है डोईवाला में, डोईवाला के पुल के नीचे, क्योंकि ये यही नदी है जो उधर तक जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर भी है आजकल यहाँ पे, और जो लोकल है चलो उनको तो पता है, लेकिन बाहर से जो लोग हैं वो रिस्क लेके आते हैं यहाँ पे, और फिर ऐसा हो जाता है। तो ये देखो, ये दोनों यहाँ पे तैयार हो रहे हैं गढ़वाली अटायर के लिए। और ये देखिए, झपुनलू युच घासल, और ये देखा दी चीड़ा का डाला, कुलां का डाला। जो जैसे देना कोली का गाने सा, जो जैसे देना मोरी का नारेना, जो जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तेज बारिश आ चुकी है, और हमारा ये सामान है, हम 4-5 रेनकोट लेके आए थे। दोस्तों बहुत तेज बारिश आई, और बारिश के बाद अब ये थोड़ी सी धूप आ गई है, और ये देखिए छन छन के आ रही है पूरी धूप, कितनी खूबसूरत लग रही है। और जो बंदर था ना, उसने अपने और टोलियों को भी बुला दिया, इतनी देर बाद बुलाया उसने, और हमने इसलिए ये सब बंद कर दिया। और ये देखिए, ये बंदर की पूरी टोली, इधर 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 सब बंदर है यहाँ पे। और यहाँ देखो, ये मम्मी बटुलन बढ़ गया सब कपड़ा। यहाँ से व्यू देखिए आप, और ये देखो, तो ये मम्मी पूरी पेट्रोल बन रखी। जब कभी लोग आप लोग ट्रैकिंग पे आओगे, तो ये कूड़ा करकट अपना घर वापस लेके जाओगे, जहाँ अपना कूड़ा स्टोर करते हो वहीं इसको ले जाइए, और यहाँ जंगल में मत छोड़िए, क्योंकि नेचर का बहुत बुरा होता है। और ये देखो, ये दोनों यहाँ पे, ये दूसरा जादू।